आप सभी को पता होगा हाल ही में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आया साउथ अफ्रीका से, जो एक ऐसा एक मैच था जहां पर इंडिया हार चुका था, जिसमें 24 बॉल में 26 रन बनाने थे और 4 विकेट गिरा था और उनके पास 6 थे, और जो उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे उसके नीचे भी और एक जो लेफ्ट हैंडी थे आपने देखा होगा, तो ये दोनों मैच जिता के लेके जाने थे। हम सभी ने मतलब टोटली 99% लोगों ने, सिर्फ 11 लोगों को छोड़ के बाकी सब ने ये मान लिया था कि इस बार भी हमारा बैड लक है और वर्ल्ड कप मतलब हमारे से चला गया है, आगे क्रिकेट देखेंगे नहीं, खास करके वर्ल्ड कप तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने हाल ही में 3-4 ऐसे वर्ल्ड कप देखा था जहाँ पर इंडिया थोड़ी थोड़ी जगह से जहाँ पर वापस आया था। बहुत दुख की बात है, वर्ल्ड कप एक ICC की ट्रॉफी होता है और वो एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी होता है, जितना सबको मतलब एक मज़ा आता है, अपनी कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट होता है। जो 11 लोग थे जहाँ पर फील्ड में थे उन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं सोचा कि हम हार जाएंगे, साथ में हम बहुत जो एक कैप्टन होता है उस कैप्टन टीम को लीड करता है, वहाँ पर हमारे पास एक बढ़िया सा कैप्टन था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैच देख के। मैं सोचा क्यों ना इस मैच के बारे में आपसे बात करूँ। दो चीज़ें मैंने इस मैच से सीखा जो आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला चीज़ है कि कभी भी हार नहीं मानना, जब आप खुद हार नहीं मानते हो तो इस धरती पर कोई माइका लाल नहीं है आपको हरा दे, स्वयं भगवान भी आए तब भी ना हरा पाए आपको, जब तक आप खुद हार नहीं मानते हो तब तक भगवान भी आपको नहीं हरा सकते। दूसरी बात, सिचुएशन कभी भी आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उतार चढ़ाव लाइफ की एक पड़ाव है, एक पार्ट है, चलता रहेगा ये, कभी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगा, कभी डाउन चलेगा, कभी मीडियम में चलेगा, कभी वेरी लो चलेगा, कभी वेरी हाई अच्छा चलेगा, लाइफ में हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं चलता, ये एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक लड़ाई है, भगवान ने बोला है, भगवान ने खुद जेल में पैदा हुए हैं, जाते जाते उनको समुंदर के बीच में लेके जाना पड़ा, कोई उनको आके दूध पिलाए मानने के लिए, तो उनकी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में स्ट्रगल देख लीजिए आप, उनसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने इसीलिए बेस्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पर फिट करके गए ताकि जब मेरी कहानी पढ़ा जाए तो लोगों को समझ में आएगा कि लाइफ कितना स्ट्रगल से जीते हैं। उनकी बचपन से लेके और आखिरी तक इतना बड़ा भगवान होके भी उनकी प्यार भी उनकी अपना नहीं हो पाया, इतने सारे वो चीज़ें इसलिए देखे गए ताकि आप उन जो चीज़ों से कुछ सीखें और इंस्पायर हो सके पॉजिटिवली, ना कि उसको लेकर नेगेटिवली रिएक्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि श्री कृष्ण के कितने रानियां थे, अच्छे नहीं है उनकी इतने रानियां थे, उन्होंने इतने शादी किए थे, लेकिन उनकी बैकएंड स्टोरी अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे उन्होंने शादी करने के लिए नहीं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनसे शादी किए थे, ना कि उनके कोई फिजिकल रिलेशनशिप था। लेकिन बात वही है, सोच के ऊपर आपकी डिपेंड है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते हो आपको कोई हरा नहीं सकता, और लाइफ में जब भी डाउनफॉल आए, ऊपर जब चलते हैं तो सब अच्छा चलता है, जब डाउनफॉल आता है लोग साथ नहीं देता है तब भी पॉजिटिवली रिएक्ट करना, अपने गोल से हटना नहीं है, लाइफ में आएगा ऐसे चीज़ें आएगा, बहुत सारी सिचुएशंस आएगा, उससे हटना नहीं है, उसमें चलते जाना है, करते जाना है, कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, आज 2 लाख है, कल 4 लाख होंगे, मेरे वो बिलीव है, मैं उसको बिलीव करता हूँ, हो सकता है कल नहीं होगा, 2 साल के बाद हो जाएंगे, 4 साल के बाद हो जाएंगे, लेकिन होगा। जब तक मैं हार नहीं मानता इस फील्ड में कि मैं हार जाऊंगा, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये चीज़ें नहीं आ रही, मैं करते जा रहा हूँ, खुद को इम्प्रूवमेंट करते जाइए और डेली कंसिस्टेंसी मेहनत करते जाइए, कोई माइका लाल नहीं है आपको वहाँ से भगा देगा आपकी ड्रीम से, ठीक है, लास्ट चांस है, लास्ट चांस रखिए, लाइफ में कोई बैकअप मत रखिए, आपने अगर एक गोल आपने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना है, फौज में लेफ्टिनेंट बनना है, तो बन के दिखाइए, सारे को रॉन्ग प्रूव करिए लेकिन बन के दिखाइए, मेहनत करते रहिए, जब तक आप मतलब उस जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच नहीं जाते, दबा के करते जाइए, रुकिए मत, ठीक है, कंसिस्टेंसली करते जाइए, कोई कुछ भी बोल रहा है सुनिए मत, लोग है बोलते रहेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपने देखा होगा दिल्ली में बेचारे IAS तैयारी करने के लिए गए थे, वहाँ पर पानी घुस गए, मर गए, ठीक है, उनके बारे में अभी 2-4 दिन बातें होगा, 10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, सब अपनी तैयारी में लग जाएंगे, तो लोगों को सीरियसली नहीं लेना, अपनी आपको सीरियसली लीजिए, अपनी ड्रीम्स को सीरियस लीजिए। उस मैच को अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना, जाके देखिए, कहाँ से मतलब लाइफ एक ऐसा चीज़ है कहीं भी पलट सकता है, ठीक है, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आप जितना ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे भगवान उसकी 4 गुना आपको लौटा देंगे हाथ में लटाने के, मैं सही बता रहा हूँ, जितनी मेहनत ईमानदारी के साथ लगन के साथ करोगे खुद के ऊपर भरोसा करके, भगवान बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं ना उनके जैसा एक बंदा है जो लगा पड़ता है, लगा रहता है उस काम को करने के लिए, और डेली टू डेली लाइफ में अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लोगों की नहीं सुन रहा है, जो उसको सही लग रहा है और सही चीज़ में जाते रहे, भगवान बहुत खुश होते हैं उससे, भगवान धूप अगरबत्ती से बिल्कुल खुश नहीं होते, भगवान उसी से खुश होता है जब वो देखते हैं कि मेरे बनाए हुआ एक इंसान मतलब
ऐसा काम कर रहा है जिसमें मेरे को अंदर से खुशी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, डाउनफॉल आता है उसमें भी पॉजिटिव रिएक्शन करिए, जो आपकी ड्रीम है उस पर कंसिस्टेंसी मेहनत करिए, बंद मत करिए, चलते रहिए। जहाँ पर भी डाउट्स आते हैं अपने सीनियर, अपने मेंटर, कोई किसी को भी है आप पूछ सकते हैं। हम भी अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करें, लेकिन हम जैसे आपको डिसिप्लिनली बताते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं और आपको गाइडेंस करते हैं, स्मार्ट वर्क करने के लिए करते हैं, आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प हो सकता है। बिल्कुल देखिए, कोई भी ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको घोल के पिला दे आपके मुंह में और आप पास हो जाओ, ठीक है। करना आपको है, खुद के हाथ में। मैं भी मेंटरशिप में यही बोलता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको चलना सिखा सकता हूँ। चलना आपकी खुद की पैर से है, जितना दूर आप चल पाओगे, ठीक है। मेरा काम है आपको पीछे से धक्का मारना, रास्ता दिखाना, सब कुछ करके देना, चलना आपको है। अगर आप खुद नहीं चलोगे तो आपको कोई भी टीचर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको क्लियर कर पाएगा आपकी एग्ज़ाम। तो मेरी तरफ से कभी भी बिलीफ नहीं खोना और कभी भी नेगेटिवली अपनी लाइफ को रिएक्ट नहीं करना। भगवान ने अगर आपको कुछ यहाँ पर लेके आए हैं, इसका मतलब कुछ आपके बारे में सोचा है। आप उतना कर लो जितना वो चाहते हैं, भगवान वहाँ पर ऊपर बैठ के देख रहे, उतना कर दीजिए, आपको दोगुना नहीं चार गुना देंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास अलक पांडे, जिन्होंने 12th में फेल हुए थे और आज एक यूनिकॉर्न है। आज पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उनको बुला रहे, आज मिलियन सब एस्पिरेंट है जो डॉक्टर है उनकी, वो मिलियन मतलब वो एक फीलिंग्स के साथ जी रहे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।